जिस तरह से इंडिया में एनिमे ग्रो कर रहा है, अगर उस तरह से मेरा चैनल ग्रो करने लग जाए तो एक ही दिन में सिल्वर प्ले बटन आ सकता है। अब हर एक इंडियन एनिमे लवर यही चाहता है कि इंडिया में एनिमे आ जाए, और इंडिया में एनिमे आने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि एनिमे की वैल्यू की जाए, जो कि प्रधानमंत्री जी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री जी कुछ दिन पहले गए थे जापान, तो वहाँ पहुँच कर उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाना, नए नए लोगों से मिले, नई नई चीज़ों के बारे में जाना, और उनमें से एक चीज़ थी एनिमे। तो प्रधानमंत्री जी को पता चला कि एनिमे क्या होता है। तो हम सबको याद है रामायण की वो एनिमेटेड मूवी जो कि हमने बचपन में देखी। दैट मूवी वॉज क्रिएटेड बाई जैपनीज एनिमे क्रिएटर्स। तो उन जैपनीज एनिमे क्रिएटर से भी जो है मोदी जी मिले थे। इनके अलावा मैं जापान में जिन अन्य दो लोगों से मिला वे है आत्सुशी मात्सुओ जी और केंजी योशी जी। ये दोनों ही टैम प्रोडक्शन कंपनी से जुड़े हैं। इस कंपनी का संबंध रामायण की उस जापानी एनिमेशन फिल्म से है जो 1993 में रिलीज हुई थी, और उनसे मिलने के बाद उन्होंने जो है एनिमेशन की गहराइयों को समझा, और उन्होंने ये बात भी कंफर्म करी है कि वही रामायण जो है न्यू एनिमेशन के साथ 4K रेजोल्यूशन में जो है रिलीज की जाएगी। जापान में जो रिलीज की जाएगी ही जाएगी, और हो सकता है कि अगर वो एक मूवी के फॉर्म में हुई तो इंडिया में भी रिलीज की जाए। सी, हम सबको पता है कि एनिमे जो है इंडिया में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, साथ ही साथ अब जो है प्रधानमंत्री जी तक ये बात पहुंच गई है कि एनिमे की वैल्यू क्या है। हो सकता है कि फ्यूचर में हमें जो है इंडिया का अपना खुद का एक एनिमे देखने को मिले। आपको क्या लगता है कमेंट जरूर से बताइएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा, जय हिंद एंड जय भारत।